नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा CHO के नई अपडेट के बारे में। उन कैंडिडेट्स की न्यू अपडेट आ चुकी है जिन लोगों को वेट था CHO की कब तक यहाँ पे जो न्यू अपडेट आएगी। ठीक है, अलग अलग स्टेटों से अलग अलग यहाँ पे जो है CHO के जो आप लोग की रिक्रूटमेंट निकाली गई थी 2023 में 22 में, उनकी यहाँ पे जो है नई अपडेट आ चुकी है। उनकी लिस्टें यहाँ पे जो बराबर आ रही है और प्लस यहाँ पे रिजल्ट और आपका डॉक्यूमेंटेशन की जो अपडेट्स है वो भी यहाँ पे कंटिन्यू आ रही है। यहाँ पे जो एक और एक CHO की लिस्ट जारी की गई हुई है। ठीक है, कौन से कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे लिस्ट है, किस तरीके से आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जाना है। ठीक है, क्या क्या यहाँ पर जो है डिटेल्स आप लोग की इसमें मांगी गई है, ऑल ओवर सारी चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस ना हो। चलते हैं हम सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, जो भी यहाँ पे जो इसकी सूची जारी की है उसमें, और सारी चीज यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर अभी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेगा ताकि आने वाली कोई भी जॉब अपडेट वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज यहाँ पे आती है मैं सबके नोटिफिकेशन लेकर आता रहता हूँ और किस तरीके से अप्लाई करना है वो भी वीडियो में आपको समझाता हूँ। तो आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सूची यहाँ पे जारी की गई हुई है जिसको यहाँ पर मैं आप लोग को बता देता हूँ। इस तरीके से यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, संविदा संवैधानिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO भर्ती 2022 के अंतर्गत अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हेतु नियमानुसार समय सारणी निर्धारित की जाती है। 10/10/2024 को जारी की गई हुई है लेटेस्ट यहाँ पर जो है ये है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे जो है आप लोग की सूची जारी कर दी गई है। अब यहाँ पर जो है आपको सीरियल नंबर देखने को मिलेगा, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, नेम, रिपोर्टिंग टाइम और डेट। अब यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पर जो है आप लोग को उपस्थित होना है, क्या यहाँ पर है, तो वो नीचे दिया गया हुआ है। पहले यहाँ पे जो लिस्ट में आपको नाम अगर चेकआउट करना है यहाँ पे आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अपना नाम चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आप पर आपका नाम हो इस तरीके से आप जो है अपना नाम सर्च कर पाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ये PDF जारी की गई है, 47 pages की PDF है। अब देख सकते हैं इनका नाम यहाँ पे जो दिनेश राम, उसके बाद यहाँ पे जो ललित किशोर, हरदेव सिंह, यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम दी गई है 10 AM तक उपस्थित होना है और कौन सी 16 तारीख को, 16 को यहाँ पे पढ़ रहा है वेनसडे। तो ये यहाँ पे जो है एक नई अपडेट आ चुकी है CHO के लिए, जिन लोग को इंतजार था कब तक न्यू अपडेट आएगी, कब पता चलेगा, फाइनली यहाँ पे जो है आप लोग के लिए नई अपडेट यहाँ पे जो है जारी हो चुकी है। अब टोटल कितने कैंडिडेट्स है, तो टोटल कैंडिडेट्स यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको काफी बड़ी PDF देखने को मिलेगी, मैं इसको यहाँ पे स्क्रॉल कर लेता हूँ। टोटल यहाँ पर जो है आप लोग को 1800 भी हो गया, 1900 भी हो गया, यहाँ पे लिस्ट खत्म हो गई। 2000 टोटल कैंडिडेट्स है जिसमें आपको एप्लीकेशन नंबर प्लस यहाँ पे जो है कैंडिडेट्स का रोल नंबर, नेम, टाइमिंग दिया है। टाइमिंग एक्चुअली सबका अलग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 10, 12, 11 इस तरीके से 12, 10, 3 अलग अलग टाइमिंग दिया है। अब डेट भी अलग दी गई हुई है, जैसे आप देख सकते हैं कितने लोग को यहाँ पे बुलाया गया है, 24 को, कहीं को 23 को, 22 को, 21 को, उसके बाद फिर 19 को शायद हॉलीडे होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 19 को यहाँ पे क्या हम देख लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 19 को, ठीक है, सैटरडे तो नहीं बुलाया, फिर 17 को, फिर यहाँ पे 16 को। तो इस तरीके से अलग अलग सबका डेट टाइम यहाँ पे रखा गया हुआ है, जो कि यहाँ पे जो है आप लोग डिटेल्स में चेकआउट कर सकते हैं। एक चीज और यहाँ पर जो है बताया गया हुआ है क्या क्या लेकर आप लोग को उपस्थित होना है, यहाँ पे जो है आप लोग स्क्रॉल करेंगे नीचे लास्ट में तो बोला है, उक्त सभी अभ्यर्थियों को अपने नाम में समग्र अंकित नियम तिथि व समय का DNS हॉल निदेशालय चिकित्सालय स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य भवन तालिका मार्ग C स्कीम जबलपुर में। तो ये यहाँ पे डिटेल दी गई हुई है। संलग्न सूची अंकित मूल दस्तावेज की सूची, तो अंकित अनुक्रमानुसार हस्ताक्षरित व एक प्रति तथा स्कूटीन फॉर्म के साथ प्रति के साथ दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें। तो ये यहाँ पे बता दिया गया हुआ है, नोट में बोला गया हुआ है दस्तावेज सत्यापन हेतु 10661 अभ्यर्थी को बुलाया जाना है। कितने बुलाने आना है, दस्तावेज सत्यापन हेतु कुल 10600 प्लस अभ्यर्थी यहाँ पे बुलाया जाना है, जिनमें से 2000 अभ्यर्थी को कार्यक्रम उपयुक्त अनुसार जारी किया जा रहा है तथा शेष अभ्यर्थियों के संबंध में प्रत्येक पार्थ व शीर्ष ही जारी किया जाएगा। तो ये यहाँ पे जो है नई अपडेट आ चुकी है, ये आप चेकआउट कर सकते हैं। और अब यहाँ पे जो है देगी ये चेकलिस्ट, तो चेकलिस्ट समझ लेते हैं। डॉक्यूमेंट लेकर उपस्थित हूँ क्या क्या, यहाँ पे जो है मेरिट हाई स्कूल सेकेंडरी, क्योंकि अभी यहाँ पे जो है महाराष्ट्र CHO में जैसे वैकेंसीज आई थी उसके बाद काफी कैंडिडेट्स यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट के कारण ही बाहर कर दिए गए थे, तो ये गलती आपको नहीं दोहराना है। चेकलिस्ट देखिए इसी के अकॉर्डिंग चलना है, इसी के अकॉर्डिंग ही डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जो आपको लेके जाने हैं। कल को आपको यहाँ पे जो है वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जा सकता है या फिर यहाँ पे जो आप रिजेक्ट कर दिया जा सकता है, तो ऐसी नौबत ना है, इसलिए आप अच्छे से इसको जो है समझिए। मेरिट हाई स्कूल सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी इंटर्न, उसके बाद उपस्थित प्रमाण पत्र मेट्रिक हाई स्कूल सेकेंडरी, उपस्थित प्रमाण पत्र हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी लेके आना है आप लोग को। अब आपने GNM, BSc नर्सिंग, पोस्ट बीएससी BSc नर्सिंग जो भी आपने किया है वो आपको लेके जाना है। डिग्री, डिप्लोमा, GNM, BSc नर्सिंग, पोस्ट बीएससी BSc नर्सिंग, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आपको ये सारी जो जाति प्रमाण पत्र डिजिटल ले जाइएगा आप।
टीएसपी सर्टिफिकेट, ठीक है, टीएसपी सरसिव क्षेत्र निवासी होने का प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र अगर आप मैरिड है तो, नंबर ऑफ लिविंग बॉर्न बिफोर 1 जून 2002, उसके बाद चाइल्ड डिक्लेरेशन, शपथ पत्र, तलाक डिग्री, ठीक है, यह दिया गया हो ताल की डिग्री आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, इस तरीके से यहाँ पे जो है आपको डिटेल देखने को मिल जाती है, विधवा, सारी चीज यहाँ पे दी गई है। उसके बाद यहाँ पे जो आप लोग हस्ताक्षर लिखित शपथ पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी, ठीक है, उसके राइजिंग नर्सिंग काउंसिल का आपको रजिस्ट्रेशन होता है ना वैलिड वाला, वो आपको यहाँ पे जो लेके जाना है, अन्य प्रमाण पत्र। तो आप लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में गलती नहीं कीजिएगा, लिस्ट जारी कर दी गई हुई है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। बाकी जो भी अब नई अपडेट आती है या कुछ पता चलता है तो आपको मैं अपडेट देता रहूंगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को अपना नाम देख लेना है लिस्ट में, ठीक है, उसके बाद आपको टाइम और डेट जरूर देख लेना है। अगर आप लोग यहाँ पे जो है टाइम और समय पे नहीं पहुंचते हैं, बाद में पता चलता है, तो इसका यहाँ पे जो है आप खुद ही जिम्मेदार होंगे। तो ये इस तरीके से यहाँ पे जो है सीएचओ की लिस्ट आ चुकी है, कहाँ से इसको डाउनलोड करना है, जैसे यहाँ पे आप सीएचओ की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे आपको दिखेगा 2000 सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारी अधिकारी भर्ती हेतु अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के संबंध में क्रमांक 1680 दिनांक 10/10/2024। तो इस तरीके से यहाँ पे डिटेल दिखी हुई है, तमाम यहाँ पे नई अपडेट आ चुकी है। जैसे आप फर्स्ट वाली पे क्लिक करेंगे आपके सामने पीडीएफ ओपन होकर आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लिस्ट जो है डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे इस तरीके से एक और आपको 23/8/2024 की नई अपडेट देखने को मिल जाएगी। इस बारे में ऑलरेडी मैं पहले आप लोग को बता चुका हूँ। तो जो भी यहाँ पे सीएचओ की नई अपडेट आती है वो यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आती है। अभी यहाँ पे मध्य प्रदेश में काफी टाइम से सीएचओ की नई अपडेट नहीं आई, अगर आप यहाँ पे जो है एमपी सीएचओ यहाँ पे जो है डालेंगे इस तरीके से, तो कोई भी अभी आपको यहाँ पे जो है नई अपडेट देखने को नहीं मिलेगी, जो कि काफी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका भी रिजल्ट अटका हुआ है और आगे वो कुछ भी यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं, ना ही उनकी सीएचओ की कॉमन मेरिट लिस्ट आई है, और सीसीएच का जो डॉक्यूमेंट जो आप लोग का चॉइस फिलिंग हुआ था उसके बाद किसी भी तरह की कोई यहाँ पे नई अपडेट नहीं आई है। एनएचएम स्टाफ नर्स का जो रिजल्ट है वो भी काफी टाइम से पेंडिंग है, जो कि अभी कुछ भी यहाँ पे जारी नहीं किया गया है। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाएंगे तो काफी जो कैंडिडेट्स है जो यहाँ पे जो है कमेंट्स करते हैं कि सर कब तक एनएचएम स्टाफ नर्स का रिजल्ट आएगा, ओटी टेक्नीशियन की अपडेट कब आएगी, सीएचओ की यहाँ पे अपडेट कब आएगी, कॉमन मेरिट और सीसीएच के बारे में कोई नई अपडेट है क्या। तो कुछ भी यहाँ पे अभी नहीं आया है। यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि आप लोग को 25 तारीख से पहले सीएचओ सीसीएच की नई अपडेट देखने को मिल सकती है, और एनएचएम स्टाफ नर्स का आपको नवंबर तक ही रिजल्ट देखने को मिल सकता है। बाकी इस बारे में अगर कोई भी चीज आती है कुछ पता चलता है तो आपको सबसे पहले बता दिया जाएगा। आगे की अपडेट के लिए आप मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो पसंद आता है वीडियो शेयर कीजिएगा। बाकी एनएचएम सीएचओ या एम नोट सेट से जो भी यहाँ पे अपडेट्स आती रहती हैं या रिजल्ट आता रहता है, मैं सबके नोटिफिकेशन यहाँ पे जो है लेकर आता रहता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।